वेलकम टू टेली टॉकीज। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर में खुल गई सृजिता दे और टीना दत्ता के बीच की झूठी और नकली लड़ाई की असली पोल। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस 16 के घर में जहाँ पहले ही दिन एक दूसरे को एक आंख नहीं देख रहे थे ये दोनों, नॉमिनेशन के दौरान सृजिता ने तो टीना दत्ता को नॉमिनेट तक कर दिया था कि वो तो घर के बाहर ही निकल जाएं, और जब बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में दोनों को बुलाया तब भी ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं रही थी, चिड़ी हुई सी साफ दिख रही थी। जिसके बाद ऑडियंस ने तो इस बात को पूरे तरीके से अग्री कर लिया था कि इन दोनों के बीच में कट्टर दुश्मनी है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से नफरत करती हैं और इन दोनों के बीच की कंट्रोवर्सी देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी ऑडियंस। लेकिन ऑडियंस को बड़ा झटका लगेगा जब हम बताएंगे कि इन दोनों का जो नफरत है, इन दोनों के बीच जो नफरत की दीवार दिखाई जा रही है वो नकली है। दोनों ही ड्रामा कर रही हैं और अर्चना ने किस तरह से इन दोनों की बड़ी पोल खोल कर रख दी, देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या हुआ है ऐसा? वेल दोस्तों, आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में सब्जियां आई हैं जिसमें से आलू नहीं मिले, और आलू ना मिलने पर किचन में बड़ा बवाल मच गया। ऐसे में टीना दत्ता और सृजिता दे दोनों ही एक रूम में गई जहाँ शिव ठाकरे भी थे, और दोनों मिलकर सामान को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने लगी और आलू ढूंढने लगी। वेल दोस्तों, सृजिता को लंबे समय से गालियां पड़ रही थी कि वो सामान को सही से नहीं देख रही है, जिसके बाद टीना दत्ता भागती हुई रूम में गई और उन्होंने ही ढूंढा सीधे आलू को और आलू उन्हें दा जाकर दे दिए। जब रूम में वापस आई और यहां पर अर्चना टीना और सृजिता के बारे में कुछ कहने लगी, तब सृजिता ने पूरे तरीके से सबके सामने कह दिया कि रूम में इतनी ज़्यादा मैस हो रखा है, रूम में इतनी ज़्यादा गंदगी थी, हमें सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ा। मैंने और टीना ने किया तो था कि मैंने और टीना ने सब साथ में किया, टीना ने मेरी हेल्प करी थी। और टीना टीना बोलकर अर्चना को टीना दत्ता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलने दिया सृजिता ने, जिससे साफ नज़र आया कि उनके अंदर के नकली गुस्से को उनके प्यार ने आखिरकार ओवरटेक कर लिया और जनता के सामने उनका ये गुस्सा साफ दिखाई दे गया। क्या कहेंगे आप, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूलें।